अखिल हिंदी भाषी विकास परिषद के केंद्रीय समिति के चीफ पेट्रोन भरत शर्मा ने आज एक संवाद मेल का आयोजन किया। संवाद मेल में क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने एक इंटरव्यू दिया था कि हिंदी भाषी विकास परिषद को लेके जो दो पार्ट होके रखा है, प्लस उसमें एक पार्ट जो हर किसी समाज को मिसगाइड कर रहा है, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, क्योंकि मेरे को बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि मैंने कुछ गलत बोला है। तो मैंने इसमें गलत मैंने कुछ भी नहीं बोला है। मैंने जो बोला उस चीज़ को समझना होगा। ये सबसे पहला बात है, जो हिंदी भाषी समाज है, बिहारी मुसलमान का जो बात है, तो बिहारी मुसलमान कोई भी हो, आखिर माइनॉरिटी में ही जाएगा, वो कभी हिंदी भाषी में आ नहीं सकता। पर ये जो कुछ आदमी, मेरा पर्टिकुलरली मेरा बिहारी मुसलमान भाइयों से, बहनों से, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग समझिए कि ये लोग आप लोग को फ्रंट में रख के ये अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। दिलीप सेठिया और संजय तिवारी, ये दोनों आदमी आप लोग को जब फ्रंट में लाता है तो आप लोग सोचते हैं आप लोगों को कुछ मिलेगा। पर मेरे को आप लोग ये बताइए, ये लोग आप लोग को कभी MCLA बना पाएगा, कभी आप लोग को CSB मेंबर दे पाएगा, कभी आप लोगों को अपना संगठन का तरफ से कोई चेयरमैन दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप लोग को जो भी मिलेगा वो माइनॉरिटी से ही मिलेगा, वो कभी भी हिंदी भाषी समाज का तरफ से व हिंदी भाषी संगठन का तरफ से नहीं मिल सकता। और मेरा हिंदी भाषी समाज का प्रत्येक आदमी से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा आदमी से दूर रहे जो आदमी आप लोगों को यूज कर रहा है। आप लोगों को फ्रंट में तो लाता नहीं है, खाली आप लोगों का गांव में जाता है, आप लोगों को टोपी पहनाता है कि हम MCLA बनेगा, वो CSB मेंबर बनेगा, पर हमें ये तो बता दे कि कौन सा पार्टी इन लोगों को MCLA बना रहा है और कौन सा पार्टी इनको CSB मेंबर बना रहा है। ये क्लियरिफिकेशन संजय तिवारी और दिलीप सेठिया पहले समाज को दे, क्योंकि दोनों समाज को, चाहे वो हमारा बिहारी मुसलमान भाई लोग हो, चाहे वो हमारा हिंदी भाषी लोग हो, दोनों को ये लोग मिसगाइड कर रहा है। इस मिसगाइड के कारण मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, दोनों समाज से, जो हिंदी भाषी बिहारी मुसलमान है, जो हिंदी भाषी समाज का आदमी है, इन दोनों आदमी को समझे, क्योंकि ये लोग आपको यूज कर रहा है। आप लोग यूज मत हो और इन लोग को कहीं भी घुसने मत दो। ये लोग जहाँ भी जाएगा गंदगी फैलाएगा और कुछ नहीं करेगा ये लोग। तो मेरे बिहारी मुसलमान भाइयों से भी एक अनुरोध है, आप लोग चाहो तो आप लोग अपना एक संगठन बनाओ, मेरी तरफ से जितनी भी मदद हो सके मैं करूँगा आप लोगों को, पर आप लोग संगठन बनाओ, इन लोग के पीछे मत घूमो। आप लोग इन लोग के पीछे घूमोगे तो आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा और ये लोग आप लोग को कुछ दे भी नहीं सकता। यदि ये लोग आप दे सकता है तो हम लोग, आप लोग दिलीप सेठिया और संजय तिवारी से रिटर्न में लो कि आप लोग अपना संगठन का तरफ से हमें कोई ना कोई BTC सरकार बनने के बाद पोर्टफोलियो दिया जाएगा। इसी के साथ मैं मेरे जो हिंदी भाषी